हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महेश गुरुजी। महेश गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको एसएससी के जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस पर सीजीएल हो या प्लस टू बेस पर सीएचएसएल हो या फिर इवन अब तो 10वीं बेस पर एमटीएस एग्जाम में भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कंडक्ट होने लगा है। तो कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, तो उन सब के लिए केवल एक सबसे अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट बुक की बात करें, कौन सी परचेज करें और उनका रिव्यू, हम तीन चार बुक्स का रिव्यू भी देखेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे सबसे बेस्ट बुक जो रहने वाली है इन सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए वो कौन सी रहने वाली है, कौन सी बुक परचेज की जाए, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बुक का रिव्यू। तो सबसे पहली बुक हमारे पास है अरियंत पब्लिकेशन की निबंध माला 221 हिंदी निबंध, और जिसके राइटर है श्री योगेश चंद जैन जी। इस बुक का जो लिंक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मैंने जो इस बुक का जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधा डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं अमेज़न की वेबसाइट से। तो इस बुक की अगर हम बात करें, काफी अच्छे रिव्यू मिले जो भी बायर्स है, तो जितने भी बायर्स है उन सभी ने यही लिखा हुआ है कि काफी अच्छी बुक लिखी गई है, गुड फॉर एलिमेंट्री स्कूलिंग चिल्ड्रन, जो स्कूलिंग चिल्ड्रन के लिए भी काफी अच्छी है। इवन ये भी बोला गया गुड फॉर सिविल सर्विसेज, इवन ये जो बुक है सिविल सर्विसेज के लिए भी काफी अच्छी है, और काफी लेटेस्ट टॉपिक भी इस बुक में कवर किए गए हैं। इवन निबंध किस तरह से लिखते, इसके छोटे छोटे पॉइंट इस बुक में बताया गया है। तो निबंध के लिए इस समय मार्केट में सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है यही निबंध माला के नाम से, जिसके राइटर श्री योगेश चंद जैन जी। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बुक आती है, ये तो बात हुई निबंध से रिलेटेड, एसे से रिलेटेड। अगर हम लेटर की बात करें, लेटर मतलब आधुनिक पत्र लेखन के नाम से एक बुक, वो भी सेम राइटर योगेश चंद जैन जी। तो इस समय अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूर दो बुक परचेज कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बुक के रिव्यू भी काफी अच्छे, एक्सीलेंट बुक बताई गई है, और कंटेंट जो है वो भी काफी अच्छा है। आधुनिक पत्र लेखन के नाम से जो बुक, जिसके राइटर योगेश चंद जैन जी हैं। तो नेक्स्ट, ये तो रही पहली दो बुक्स जो काफी डिटेल एनालिसिस इन दोनों बुक्स में दे रखा है। पत्र से रिलेटेड भी डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा, और इवन जो निबंध है उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल एनालिसिस, इवन छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए गए होंगे किस तरह से निबंध लिखना है, क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे की जाए, जो कंटेंट है बॉडी पार्ट उसमें क्या क्या लिखा जाए, इवन कंक्लूजन उसमें क्या लिखा जाए, और आधुनिक पत्र लेखन में जो भी लेटेस्ट फॉर्मेट पत्र किस तरह से लेटेस्ट लिखे जाते हैं वो सारा आपको इन बुक्स में मिल जाएगा। इवन ये तो रही अलग अलग बुक्स की बात, अगर हम एक ऐसी बुक परचेज करना चाहते हैं जो जिसके अंदर पत्र लेखन हो और साथ साथ जो निबंध लेखन वो सारा एक साथ हो, तो हम बात करते हैं एक नेक्स्ट बुक के रिव्यू की। एक बुक इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, वर्णनात्मक लेखन, जो पैरामाउंट पब्लिकेशन की बुक है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी आप बुक परचेज करना चाहते हैं आप इजीली बुक परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम इस बुक के रिव्यू की बात करें, तो इस बुक में निबंध लेखन में जितने भी टॉपिक है, जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ऑनलाइन भारत और लैंगिक असमानता, जितने भी जनधन योजना, भारत और सार्क, सार्क रिलेटेड कंट्री जो है, जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक वो भी आपको इस बुक में गिवन है। और साथ ही साथ इस बुक में निबंध लेखन के साथ साथ रिपोर्ट लेखन, पत्र लेखन, आवेदन लेखन और साथ ही साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट, अभ्यास के 30 सेट भी दे रखे होंगे कि किस तरह से आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आई थिंक इसकी कॉस्ट भी लेस देन 100 रुपीज, 100 रुपए से कम ही इसकी कॉस्ट होगी, तो वो आप देख सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो काफी अच्छी बुक ये भी हम कह सकते हैं, जिसमें जो ये भी बता रखा होगा कि किस तरह से हम अपने जो भी निबंध है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कि पहले कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक पर विचार करना है, फिर जो स्टार्टिंग करनी है निबंध की वो उदाहरण देकर करनी है, और पैराग्राफ बनाकर हमने लिखना है, और ज्यादा आंकड़े शामिल नहीं करने, ये छोटी छोटी बातें भी इस बुक में आपको बताई गई होगी। और साथ ही साथ ये निबंध के साथ साथ जो पत्र है उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस आपको इस बुक में देखने को मिल सकती है, और प्राइस भी
आई थिंक 100 से कम ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी बुक है। नेक्स्ट बुक जो मार्केट में अवेलेबल वो हम देखते हैं, जी हाँ, एक ये बुक जिसमें भी एसे और लेटर दोनों एक साथ आपको दिखेंगे। तो ये है एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर टीयर 3 के लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस वर्क बुक, जो किरण पब्लिकेशन की बुक, और इसका प्राइस भी आपको 100 रुपीज से कम ही मिलेगा। तो अगर हम इसके रिव्यू की बात करें, इस बुक में भी आपको कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट एसे, जीएसटी हो गया, जीएसटी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस बार डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान या फिर स्टैंड अप इंडिया, जितने भी इम्पोर्टेंट ऐसे, और हम कह सकते हैं जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, ये सारे आपको इस बुक में मिलेंगे। और इस बुक की खास बात ये है, इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे होंगे आपको 60 प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहले प्रैक्टिस सेट में एक निबंध और एक पत्र, हर सेट में इसी तरह से दे रखे होंगे। जैसे पहला प्रैक्टिस सेट एक निबंध एक पत्र, दूसरा प्रैक्टिस सेट एक निबंध एक पत्र, इस तरह से टोटल 60 प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं। और साथ में स्टार्टिंग में ये भी बता रखा है कि किस तरह से हम किसी पत्र को या फिर किसी निबंध को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या उसके बॉडी पार्ट में होना चाहिए, और कैसे हम उसका कंक्लूजन करें। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड की बुक हम कह सकते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस है, वो हम पहले अगर इस बुक की बात करें पत्र लेखन में, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है कि किस तरह से स्टार्टिंग में हमने लिखना है, किस तरह से हमने मिडिल पार्ट लिखना है, किस क्या फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मल लेटर के लिए क्या होना चाहिए, इनफॉर्मल योगेश जैन जी की ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और अगर आपने रिव्यू लेना है कंप्लीट बुक का, मतलब आपने कुछ, हम कह सकते हैं अगर टॉपिक्स आपने जल्दी कवर करने हैं, तो ये लास्ट टू बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से आप सीधा डायरेक्ट अमाउंट वो परचेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जरूर लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इन बुक्स का पता चले और जरूर परचेज करें। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।